नमस्कार, स्वागत है आपका बात इन बॉल में। सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1000 लोग हमारे चैनल पे आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं 1000, और 1000 से ज्यादा हो गए हैं। तो आज क्रिकेट की बात में हम बात करेंगे सुरेश रैना, जो भी टीम इंडिया से बाहर है, और रोहित शर्मा, जो इस वक्त टीम इंडिया के सबसे टॉप के बैट्समैन है। दोनों खिलाड़ियों के बीच में इंस्टाग्राम चैट हुई। अब बहुत अहम बात हुई है, और इस अहम बात को सुनने के लिए आप एंड तक इस वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बात यह हुई कि रोहित शर्मा ने बोला कि हम आपको टीम में बहुत मिस करते हैं, हम यानी पूरी टीम इंडिया। आप कौन? इसमें थे सुरेश रैना। तो सुरेश रैना को बोला कि आपको बहुत मिस करते हैं, और जब भी टीम के खिलाड़ियों में बात होती है तो सब यही बोलते हैं कि सुरेश रैना, फाइनेस्ट फील्डर ऑफ टीम इंडिया को वापस टीम में लाया जाए। सुरेश रैना ने कोई बात रोहित शर्मा ने खुलकर कही कि कैसे ना कैसे आपको किसी कॉम्बिनेशन में बिठाया जाए और टीम में वापस लाया जाए। रोहित शर्मा ने भी बोला कि आपके जैसा बैट्समैन नहीं है, आपके जैसा फील्डर नहीं है, आपके जैसा बॉलर नहीं है, कॉम्पैक्ट आप एक प्लेयर है। तो उधर से सुरेश रैना का रिप्लाई आता है कि वो भी चाहते हैं कि वो भी भारत के लिए खेले। इस बार शायद आईपीएल होता तो शानदार परफॉर्मेंस रैना करते, जिस तरीके से वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। आपको बता दें कि 2018 के बाद से रैना नीली जर्सी में टीम इंडिया के लिए नहीं दिखे हैं। 226 वनडे, 18 टेस्ट मैच, 78 टी20 मैचेस और 200 के करीब आईपीएल मैचेस, ये सुरेश रैना के खाते में आते हैं। कई शानदार कैच, कई धमाकेदार पारियां और कई शानदार विकेट, ये सुरेश रैना के खाते में आते हैं। अब सुरेश रैना टीम में नहीं है तो हर कोई इनको मिस कर रहा है। सुरेश रैना भी चाहते हैं कि वो टीम में आए, और देखिए सिनेरियो एकदम से बदल चुका है पूरा। सुरेश रैना और एमएसके प्रसाद के बीच में कुछ बयानबाजी पहले हुई थी। एमएसके ने बोला कि सुरेश ने परफॉर्म नहीं किया, तो उधर से सुरेश रैना ने बोला कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं। ये तमाम तरीके एक दूसरे के एलिगेशन लगे थे, लेकिन देखिए इस इंस्टाग्राम चैट में ये तो साफ निकल के आ गई कि सुरेश रैना कितने तत्पर है टीम इंडिया में वापस आने के लिए। इस चैट के दौरान सुरेश रैना ने और रोहित शर्मा ने युवराज सिंह की भी बात करी और तारीफ करी कि 2011 वर्ल्ड कप में जब उनको कैंसर हो गया था उस वक्त उनका क्या परफॉर्मेंस था, शानदार परफॉर्मेंस था। साथ ही उन्होंने बात करी कि जब टीम इंडिया 2011 वर्ल्ड कप में एक मैच हार गई थी उसके बाद क्या हुआ। तो सुरेश रैना ने बोला कि गैरी क्यूस्टन और पाजी यानी सचिन पाजी ने एक मीटिंग करी, उस मीटिंग के बाद सब कुछ बदल गया। अब देखिए चीजें, सिनेरियो धीरे धीरे बदल रहा है, अब खिलाड़ी खुलकर बोलते हैं। जैसे सुरेश रैना ने कहा, शायद सुरेश रैना नहीं कहते तो इतनी बातें शायद सामने नहीं आती कि वो टीम इंडिया में खेलने को लेकर तत्पर कितना है। और इस तत्परता के बीच में बात निकली मिस्टर कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी की। तो महेंद्र सिंह धोनी में भैया रोहित शर्मा ने तपाक से सवाल इसलिए पूछा कि जो सीएसके से खेलते हैं सुरेश रैना, और काफी अच्छे टर्म्स धोनी के साथ में भी है। सब ही जानते हैं किस तरह से वो धोनी से मीट एंड ग्रीट करते हैं, और कैंप भी हुआ था कोरोना वायरस से पहले जहां धोनी साथ में थे। तो इसी साथ के दौरान उन्होंने कहा कि धोनी बहुत अच्छे टच में थे, उन्होंने यानी सुरेश रैना ने कहा कि धोनी बहुत शानदार टच में थे, और ये उनके माइंड में क्या चल रहा है यानी मिस्टर धोनी के, वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो शानदार टच में है, वो टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। तो दो प्लेयर्स अब आपके सामने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी अपनी मर्जी से नहीं खेल रहे, सुरेश रैना अपने परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हैं। इन दोनों की वापसी कब होती है देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन हमारी वापसी जरूर इस चैनल पे होगी। हम आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे, क्रिकेट के टिप्स देते रहेंगे, अकेडमीज के बारे में बताते रहेंगे। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और क्रिकेट की हर अपडेट आपको यहां पर मिल जाएगी। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।